अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से सूजी से बनने वाले फोर बेबी फूड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सूजी से बने फूड हमारे बेबीज के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि सूजी बहुत लाइटवेट होती है और इन फूड्स को बनाना भी बहुत आसान है। सो चलिए देखते हैं हमारे प्यारे प्यारे बेबीज के लिए ये हेल्दी फूड्स हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में सूजी डाल के 10 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लिया था। जब इसका कलर चेंज हो गया सो ठंडा होने के बाद में मैंने इसे एयरटाइट कंटेनर में फिल करके रख दिया है। अच्छा जी, तो सबसे पहले सूजी को भूनने वाली स्टेप मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में छोटे बेबीज है तो उनका फूड बनाने के लिए आपको सूजी को बार बार भूनना पड़ेगा और ये स्टेप करना ही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। इस तरह से हम सूजी को भून के किसी एयरटाइट कंटेनर में फिल करके रख लेंगे, जिससे इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह भी नहीं आएगा और बेबी का फूड बनाना भी इससे बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा। इसके लिए मैंने पैन में 1 टेबलस्पून के करीब घी लिया है। आप बटर, घी कुछ भी यूज कर सकते हो। बेबीज के लिए घर का बना घी सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। बाद में इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून जितना सूजी और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि हमारे रवे में बहुत अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए। इसके बाद में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 ग्लास जितना पानी और अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। जब तक हमारी सूजी थिक हो रही है तब तक यहाँ पे मैंने एक स्मॉल साइज का बनाना लिया है। इसका छिलका निकाल के अब इसे मैं स्पून की मदद से बहुत अच्छे से मैश कर दूंगी और अब ये देखिए, जो सूजी हमने पकने के लिए रखी थी ये भी बिल्कुल फूल के डबल हो गई है। अब इसके अंदर जो मैश करके हमने बनाना रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और बनाना डालने के बाद में इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसे मिक्स करते हुए हम गैस ऑन रखेंगे और जब हमारा बनाना अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। सो लीजिए, जस्ट इन 2 मिनट्स हमारे बेबी का हेल्दी और टेस्टी फूड रेडी है। महविश को डायरेक्टली फॉर्म में अगर बनाना खिलाऊं ना तो महविश बनाना बिल्कुल भी नहीं खाती। सो इस तरह से मैं इसके फूड में ऐड कर देती हूँ और ये वाला हलवा ना महविश बड़े शौक से खाती है। सो अगर आपके बेबी भी कोई वेजिटेबल या फ्रूट नहीं खाते हैं तो आप उनके बेबी फूड में भी ऐड करके उन्हें खिला सकते हो। नेक्स्ट फूड हम बनाएंगे हमारे प्यारे बेबीज के लिए सूजी का उपमा। इसके लिए ले रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून जितना बटर, अगर आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हो। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 पिंच के करीब राई, जीरा और हींग। हींग बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हो। राई और जीरा जब अच्छे से चटक गए तब इसके अंदर मैंने 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर दिया था और अब इसके अंदर मैं 1/2 पिंच के करीब नमक और 1/2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, कोई मुझसे पूछ रहा था कि बेबी फूड में नमक ऐड कर सकते हैं या नहीं। सो मेरी महविश को मैं सिर्फ बेबी फूड नहीं खिलाती, घर में बने दाल चावल खिचड़ी भी महविश खाती है, जिसमें नमक मिर्ची और हल्दी सब कुछ डला होता है। सो महविश को आजकल बहुत सारे टेस्ट समझ में आने लग गए हैं। जब भी मैं महविश का बेबी फूड बनाती हूँ सो उसमें मुझे 1 पिंच के करीब नमक ऐड करना पड़ता है, वरना फिर मेरी महविश नहीं खाती। सो अगर आपने अभी तक अपने बेबी को नमक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है तो आप नमक को स्किप कर सकते हो। पानी में उबाल आने के बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना रवा डाल दिया था और इसे अच्छे से मिक्स करती गई ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। सिर्फ 1 मिनट में ही सूजी थिक होना स्टार्ट हो जाएंगी और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर 6-7 मंथ के बेबी को दे रहे हो तो आप थोड़ा सा पतला उपमा बना सकते हो, या फिर 8-9 मंथ्स के बेबी को दे रहे हो तो थोड़ा थिक उपमा भी बेबी खा पाएगा। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ एप्पल सूजी का पॉरेज। मैंने एक स्मॉल साइज का एप्पल लिया है, इसका छिलका निकाल के इसे बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। अब 1 ग्लास पानी डालूंगी पैन में और इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना मैं सूजी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि कोई भी लम्स ना बने इसमें, और जो एप्पल मैंने कट करके रखे है वो सभी मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी। एप्पल डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लिड लगा के इसे 2 मिनट्स के लिए हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम से लो ही रखना है। 2 मिनट्स के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में इसे एक चम्मच की मदद से हम अच्छे से प्रेस करके मैश कर देंगे और ताकि जो एप्पल और सूजी है वो मिक्स हो जाए। और लीजिए, हमारे प्यारे प्यारे बेबीज के लिए हेल्दी फूड रेडी है। अगर आपको लगे कि एप्पल थोड़ा फीका था या फिर आपके बेबीज थोड़ा सा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इस फूड के मिठास को बढ़ाने के लिए आप इसमें 1 टेबलस्पून जैगरी या फिर 1 टेबलस्पून इसके अंदर डेट सिरप डाल के इस फूड को मीठा कर सकते हो। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे हमारे प्यारे बेबीज के लिए सूजी की खीर, जो कि बहुत यम्मी और डिलीशियस है, जिसे हमारे बेबीज बड़े शौक से खाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी, इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूजी डाल के इसकी भी हमें अच्छे से भुनाई करनी है।
इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। सो यहाँ पे मैं फ्रेश काउ मिल्क यूज कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक अपने बेबीज को मिल्क देना शुरू नहीं किया है सो आप यहाँ पे हाफ कप पानी डाल के इसे पका सकते हो। सो महविश को मैं डायरेक्टली फॉर्म में दूध नहीं देती, शायद उसे पसंद नहीं है, वो पीती नहीं है। सो इसलिए मैं उसके बेबी फूड में ना काउ मिल्क शामिल कर देती हूँ। मिल्क डालने के बाद इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है ताकि कोई भी इसमें लम्स ना बने और दूध भी साइड पे ना चिपके। इसके बाद थोड़ा सा मीठा करने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी हाफ टेबल स्पून जितना जैगरी। 2 मिनट्स में ही हमारे प्यारे बेबीज के लिए मीठी वाली खीर रेडी है। ये वाली खीर महविश को बहुत ज्यादा पसंद है, आप लोग भी ट्राई करना, इंशाल्लाह आपके बेबीज को भी ये वाली खीर बहुत पसंद आएंगी। ये वाली खीर मैं खिलाऊंगी अपनी महविश को। और यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट बेबी फूड के साथ, तब तक के लिए अपने बेबीज का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।